अखिलेश अर्गल जी, चतुर्वेदी साहब, रजनीश अरोरा जी और भी मेरे जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं और सारे टीचर्स, मैं पहले कुछ छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा करना चालू करूंगा, फिर उससे देखेंगे कि क्या हम उनको कोरिलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से। पहली बात मैं अपनी मदर के बारे में करूंगा, जो कि 3 साल पहले नहीं रही और 80 वर्ष की आयु में वो वृंदावन में रहती थी। उनका यह था कि वो हर चीज को भगवान से जोड़ती थी। एक बार वो कोई झांकी निकल रही थी, खड़ी थी, स्लिप हो गई, गिर गई, रीढ़ की हड्डी में चोट भी आई। मैं उनको इलाज के लिए भोपाल लाया तो जब वो वर्णन करने लगी तो बोलने लगी, जब मैं गिरी तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथों में ले लिया, देखो भगवान ने मुझे हाथों में पकड़ लिया, इससे मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। दूसरी घटना मैं अपने छात्र जीवन की बताना चाहूंगा। मैं IIT दिल्ली में PhD में स्टूडेंट था, तो ये यूनिट टेस्ट हुआ करते थे। प्रोफेसर कृष्णन हमारे टीचर थे, उन्होंने यूनिट टेस्ट लिया और अगले दिन जब उसका वैल्यूएशन करके कॉपियां सौंपी तो बोले, मैंने देर रात तक कॉपियां चेक की थी, हो सकता है कुछ जोड़ने घटाने में गलती हो गई हो, तो प्लीज चेक योर मार्क्स, सब लोग अपने मार्क्स का ऐड करेंगे। मैंने अपने मार्क्स जोड़े तो जितने मार्क्स उसमें लिखे थे उससे कम मार्क्स मेरे आ रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वहां बहुत यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से गवर्न था, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा टीचर ऐसी गलती कर नहीं सकता। तो मैंने कहा, सर पता नहीं आपने जो मार्क्स लिखे हैं और जितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं और लिखे ज्यादा हैं। उनके पास सही मार्क्स की ऑलरेडी लिस्ट थी, फिर एक एक करके उन्होंने उठाना शुरू किया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। फिर उन्होंने एक बात बोली कि वो USA में पढ़ाते थे, तो जब इस तरह के टेस्ट करते थे वो वहां पर, तो शायद ही कोई बच्चा फेल होता था, फेल मतलब इस टेस्ट में कितने मार्क्स थे उसके। और बोले, इंडिया में मैं जब भी ये टेस्ट करता हूं तो शायद ही कोई बच्चा पास होता हो। फिर मेरा नाम के लेके बोले कि शायद आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आप एक टीचर हैं, क्योंकि आई वाज देयर एज ए QIP टीचर, QIP कैंडिडेट। तीसरी छोटी घटना मैं अभी बताना चाहूंगा, ये कोरोना पीरियड की, कि मेरे एक मित्र हैं, एक दिन उनका फोन आया कि हमारे पिताजी बहुत सीरियस हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करा दें सर। वो हमने भी कुछ हेल्प करने की कोशिश की, फिर जो भी हुआ, लेकिन फिर एक दिन बाद पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई। उसके नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि सर मैंने तब तक 2 सिलेंडर अरेंज कर लिए थे और 2 घर पे रखे हुए हैं, अगर किसी को भी जरूरत हो तो मैं उसको पहुंचा सकता हूं, और अब मुझे प्रोसेस भी पता लग गया कि सिलेंडर कैसे मिलेगा, तो मैं वो उनकी भी हेल्प कर सकता हूं जिनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जबकि डेथ उनकी पिताजी की सेम डे हुई थी, एक दिन पहले। चौथी घटना मैं एक अपनी भतीजी की बताना चाहूंगा, कि मेरी भतीजी कोरोना से पीड़ित थी, तो झांसी से उसको लेके आए। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने उसको बाहर बिठा दिया, डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो बोले, कहाँ है बिटिया? तो मैंने कहा, वो तो मैंने बाहर बिठा दिया क्योंकि कोरोना पीड़ित थे। अरे बोले, बाहर क्यों बिठा दिया? उन्होंने उसको अपने सोफे पर लेटा लिया, हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, एक नर्स आई, उसने टेस्ट वगैरह किया। तो मैं जो उससे अभी तक छू नहीं रहा था अपनी भतीजी को, तो मेरे मन में एक ग्लानि का भाव आया। मुझे लगा कि ये डॉक्टर और नर्स जो कि अपरिचित हैं, वो तो बड़े मातृत्व भाव से उस बच्ची को देख रहे हैं और मैं उसका चाचा हूं, लेकिन मैं उससे डर रहा हूं। उसके बाद मेरे मन से डर निकल गया। अब ये जो छोटी छोटी घटनाएं मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, हर घटना में एक ह्यूमन वैल्यू छुपी हुई है, और एक जो सबसे बड़ी ह्यूमन वैल्यू है वो है स्नेह और विश्वास। अगर हमारे जीवन में स्नेह है और उस स्नेह से उपजा विश्वास है, तो सारी चीजें बड़ा आसान सी हो जाती हैं। और स्नेह किससे? स्नेह सबसे, अपने से भी, अपनों से भी, परायों से भी, प्रकृति से भी, अपने शहर से भी, अपने राज्य से भी, अपने देश से भी, अपने संसार से भी। अगर आप सबसे स्नेह होगा आपके पास, आपसे उसमें लगाव होगा, तो शायद वो गलतियां नहीं करेंगे जो हम लगातार करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के संदर्भ में कहें कि चीजों को फेंक देना और फिर ये कहना कि शहर में सफाई नहीं है। अरे भाई, गंदगी अगर नहीं होगी तो सफाई करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? तो गंदगी भी हम करते हैं और दोष भी हम ही देते हैं।
एक छोटा और एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा, वो मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में करना चाहूंगा, और क्लास 10th में पढ़ रही है। टेस्ट आजकल ऑनलाइन होते हैं, टेस्ट होने के बाद बड़े उससे बताती कि मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन सबसे बड़ी जो उसमें ब्यूटी मुझे दिखती है, जो कि मैं कभी उसको टोकता नहीं हूँ, चाहे अच्छे मार्क्स आए चाहे खराब मार्क्स आए, कि उस टेस्ट के दौरान वो इतनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से वो टेस्ट देती है जैसे बिल्कुल रियल कोई देख रहा है उसको, और वो कभी भी किसी किताब को रिफर नहीं करती। और फिर जब वो कर लेती है, फिर जितने गलत हैं सही, एक आध बार मैंने पूछा भी तो उसने बोला नहीं नहीं फिर पापा टेस्ट का क्या मतलब रहेगा। अब इतनी छोटी बच्ची अगर ये बात कह सकती है, तो मैं फिर अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में सोचता हूँ, प्रॉक्टरिंग के बारे में सोचता हूँ, या दुनिया भर के इश्यूज के बारे में सोचता हूँ, तो ये भी एक ह्यूमन वैल्यू का हिस्सा है, नकल करना नकल नहीं करना। और एक एग्जाम्पल जो खास तौर से टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा, एक स्ट्रगल हम देते हैं बच्चे को, जैसे खास तौर से अगर जेई का एग्जाम्पल लेते हैं, और खास तौर से टीचर ने यहाँ रेज किया था हमारी एक बैठक में, कि हम चाहते हैं बच्चा आईआईटी क्लियर करें, बच्चा आईआईटी मान लीजिए क्लियर कर जाता है तो हम चाहते हैं कि उसको आईआईटी मुंबई में मिल जाए एडमिशन। आईआईटी मुंबई में एडमिशन मिल भी गया तो वो कहते हैं भाई कंप्यूटर साइंस में मिला कि नहीं मिला, चलिए कंप्यूटर साइंस में भी मिल गया उसको, फिर उसको गूगल ने 1.5 करोड़ के पैकेज पर लिया कि नहीं लिया। तो मतलब स्ट्रगल इज थ्रू आउट द लाइफ, मतलब बच्चे को एज ए चैलेंज हम दे रहे हैं, जहां पर वो पहले आईआईटी क्लियर करे, फिर आईआईटी क्लियर करके वो आईआईटी मुंबई में ले, मुंबई में लेके कंप्यूटर साइंस ले, और ये सब उसको स्ट्रेस देता है। एज ए टीचर हमारा क्या रोल है सोसाइटी में, और क्या हम इस तरह की अंधी दौड़ में अपने को और अपने बच्चों को शामिल करना चाहते हैं? ये सारे वो प्रश्न हैं या प्रश्न चिन्ह हैं जिनको जवाब देने का प्रयास शायद टेक्निकल एजुकेशन में इसलिए आया, क्योंकि इस तरह का फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज, इस तरह के कन्फ्लिक्ट व्यावसायिक शिक्षा में ज्यादा थे। इसलिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक बड़ा सार्थक प्रयास उठाया कि हमको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को एज ए कोर्स करिकुलम टेक्निकल एजुकेशन में सम्मिलित करना चाहिए। उसमें आरजीपी भी हिस्सा है और ये ट्रेनिंग का एक पार्ट बन गया है। लेकिन शायद हमारा ये काम शायद और भी आसान हो जाएगा अगर ये बात स्कूल शिक्षा में आ जाएगी, तो शायद हमको टेक्निकल एजुकेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की चर्चा करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप ऑलरेडी इस तरह के बच्चे हमारे पाठ्यक्रमों में भेजेंगे जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से जुड़े होंगे, समझ रहे होंगे, तो वो शायद उनको क्या शिक्षा देने की जरूरत पड़ेगी, वो हमको शिक्षित कर रहे होंगे, हमको ह्यूमन वैल्यूज सिखा रहे होंगे। ह्यूमन वैल्यूज कोई टीचर और टॉट का रिलेशनशिप नहीं है, वैल्यूज हैं या नहीं है, ये वैल्यूज कहीं से भी और किसी से भी ली जा सकती हैं, और इसको आप फील कर सकते हो, ये सिखाई जाना, इसका एहसास दिलाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये एहसास स्वयं में नहीं आएगा और स्वयं से नहीं आएगा, तो कितना भी पढ़ाने का प्रयास करें ये होता नहीं है। इसमें शिक्षक को एक आदर्श के रूप में उभरना होता है, और डे टू डे लाइफ में, बातचीत में, पढ़ाने में, लिखाने में, व्यवहार में, उठने में, बैठने में, चलने में, ये रिफ्लेक्शंस आने चाहिए कि एक आदर्श टीचर कहीं खड़ा हुआ है जो कि ह्यूमन वैल्यूज से लेस है, वही वैल्यूज के बच्चे में रिफ्लेक्ट होने लगती है। और ये बात हमने भी अनुभव की और आपने भी अनुभव की है कि जिन स्कूलों में अच्छे टीचर हैं और अच्छी वैल्यूज इम्पार्ट करते हैं, वो बच्चा घर में आके वो आपको शिक्षा देने लगता है। कई बार जब आप सड़क पर गंदगी फैलाते हैं तो आपको रोकता है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो वो आपको रोकता है, आप झूठ बोलते हैं तो भी बच्चा कई बार आपको टोक देता है कि आपने झूठ क्यों बोला, क्योंकि सच बोलना भी एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का हिस्सा है। तो बच्चा कहता है कि पापा आपने झूठ क्यों बोला, आपको भी शर्मिंदा कई बार होना पड़ता है कि बच्चा हमसे कह रहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहता है। तो एक बहुत सी सार्थक प्रयास है, लेकिन इस सार्थक प्रयास की सार्थकता तभी संभव है जबकि इसको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका हमारे नियमित पठन पाठन से थोड़ा सा अलग तरीके से हो। अगर नियमित पठन पाठन के तरीके से इन वैल्यूज को अगर हम इम्पार्ट, इंकल्केट और इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसा कि कई बार हम पढ़ते तो हैं, हम शिक्षित तो कहलाते हैं,
लेकिन खास तौर से टेक्निकल एजुकेशन के अलावा हम स्किल्ड नहीं हो पाते, उनको हम आत्मसात नहीं कर पाते, शिक्षा को शिक्षा की तरह ले नहीं पाते हैं। और यही आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू शिक्षा का इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट रहेगा। किसी भी शिक्षक से ये अपेक्षा है कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो ह्यूमन वैल्यूज की चर्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पठन पाठन तौर तरीकों में उन ह्यूमन वैल्यूज को आत्मसात कर रहा है। तो यही आज मेरा मैसेज है। मैं धीरेन चतुर्वेदी साहब को, IIC को और IICT को भी हृदय से धन्यवाद भी दूंगा और इस बात को यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए आप सबको प्रोत्साहित भी करूंगा। इसमें विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा उसके लिए तैयार। धन्यवाद।